सी ऑफ कार्बन एटम्स आर फोर, द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस डायमंड। देखिए नॉन मेटल की अगर बात करें, फिर मीथेन बर्न्स इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओजोन इज रिप्रेजेंटेड एज O3। फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड H3PO4, यानी ऑप्शन ए। एसिडिक एसिड इज आयनाइज वीकली, ठीक है। फैट एंड ईस्टर्स कोलेस्ट्रॉल एंड अगला ऑप्शन क्या होगा यहाँ, फैटी एसिड्स। फिर टेम्परेचर ऑफ 973 केल्विन इज इक्वल टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी दो डेंसिटीज का रेशियो होता है, तो यूनिट कहाँ से आ जाएगा, नन ऑफ दीस। नेम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज टू मेजर विस्कोसिटी, देखिए विस्कोमीटर से भी होता है और ऑस्वर्ल्ड प्रोसेस से होता है, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नन ऑफ दीस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं होता। फार्मूला ऑफ एसीटैल्डिहाइड, बेटा देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर के तहत C2H4O परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 21.6% कैरेट गोल्ड, ज़ाहिर 21.6 होगी। pH वैल्यू ऑफ 7 सिग्निफिकेंट न्यूट्रल। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, देखो बेटा एलिमेंट की बात आए तो ऑक्सीजन, सॉलिड की बात आए तो सिलिकॉन, और मेटल पूछें तो अल्मोनियम। मौजूदा सूरत में आंसर ऑक्सीजन। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होती है, ट्रिपल में तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है अच्छो। फिर 19.6 H2SO4 की मॉलरिटी है, इसकी नॉर्मेलिटी पूछ रही है, तो बेटा हाइड्रोजन की तादाद से मल्टीप्लाई कर दो, 39.2 हो जाएगा। स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है SROH2, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। देखिए बिगेस्ट रिवर बार बार आ रहा है वर्ल्ड का, नाइल रिवर। पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1956। और कॉफ़ी प्रोड्यूसर जी जनाब ब्राज़ील। जापान वाले अपनी कंट्री को क्या कहते हैं, निपन कहते हैं। सिटी ऑफ कैनाल वेनिस। नेटो कब बना था जी, 1949। और कभी कोई पूछे तो इसका हेड ऑफिस है ब्रसल्स में, यूरोपीय यूनियन और नेटो दोनों का हेड ऑफिस है ब्रसल्स में। हाँ जी, रेल रोड लोकोमोटिव किसने ईजाद किया था, जॉर्ज स्टीफनसन। ऑथर जो है रिपब्लिक के प्लाटो, देखो ये भी बार बार आ रहा है। नेशनल फ्लावर जास्मीन। स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, किस कंट्री से गुजरती है, इजिप्ट से अगर आए तो। और जनाब इस्लामिक मंथ जो मुहर्रम के बाद आता है, सफर आता है। यूनाइटेड नेशन बनी 1945 में। करेंसी जो है यूरोपीय यूनियन की, वो यूरो है। हाईएस्ट सिविल अवार्ड दुशंबे है। कैपिटल जो है ताजिकिस्तान का निशान है पाकिस्तान। ऑथर जो है मरातुल अरूस के डिप्टी नज़ीर अहमद। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी कब मुत्तहद हुए, 3 अक्टूबर 1990। साइंटिफिक जो स्टडी है फ्लावर्स की, एंथोलॉजी। फर्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इस्कंदर मिर्ज़ा। और ताशकंद जनाब कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का। अच्छा समरकंद बुखारा दो बड़े इंपॉर्टेंट कदीम शहर, वो भी कहाँ आते हैं, उज़्बेकिस्तान में आते हैं। और उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक ये यानी ये चारों तरफ से घिरी हुई भी गिनती है लैंडलॉक कंट्री से, ठीक है जी। देखिए 2016 सरसेद का लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई थी, 1940 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1956। और 1971 में पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ लगा था, तो बेटा याद रहे कि वो लगाया था, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पूछा था, तो वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फिर 5 जुलाई 1977 का मार्शल लॉ जनरल ज़हलक ने लगाया था। अच्छा कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट रहा किस कंट्री के साथ, तो आंसर था अफगानिस्तान। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूछे थे इस्कंदर मिर्ज़ा, जो लास्ट गवर्नर जनरल भी थे।
14 पॉइंट कायदे आजम के देखो असल ईयर है ना इसका 1929, लेकिन इन्होंने 1929 का ऑप्शन ही नहीं दिया था, 1928 दिया हुआ था इनका करेक्ट आंसर। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रिपब्लिक एक बुक थी प्लूटो यानी अफलातून ने लिखी थी। मोना लीजा की पेंटिंग लियोनार्डो डी विंची ने बनाई थी। अच्छा जी, नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे? बेसिकली फ्रेंच डिक्टेटर या जनरल, जो भी आ जाए ऑप्शन। वो पास जो पिशावर को कनेक्ट करता है किस किस से, जलालाबाद या काबुल, वो है खैबर पास। यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो बार बार पूछते हैं। रोहतास फोर्ट बनाया था शेरशाह सूरी ने। नेशनल एंथम जो था पाकिस्तान का कौमी ताराना हफीज आलंदरी, और कभी टोन पूछे तो एम ए चाखला, जहन में रखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर डेड ऑफ, जिन्होंने LCD भी बनाया है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी कब यूनाइट हुए थे? 3 अक्टूबर 1990, ठीक है जी। और पानामा कैनाल बेसिकली कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। देखिए 2017 का भी देख लें पेपर। पाकिस्तान UN का मेंबर बना था 30 सितंबर 1947, बहुत आती है MCQs। फिर कायदे आजम जो इलेक्ट हुए थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली की बात हो रही है, यानी मौजूदा दौर में जो स्पीकर होता है, तो इसकी डेट थी 10 अगस्त 1947। फिर पाकिस्तान का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 14 अगस्त 1973। फिर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 1925 में, और ऑस्कर अवार्ड भी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाइल। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया रशिया। फर्स्ट वोमेन स्पीकर पाकिस्तान की, इवन मुस्लिम वर्ल्ड की, फहमीदा मिर्जा। बाबर नामक किस जुबान में? चकाताई। लैंड ऑफ मार्बल लीफ कैनेडा। कौन से USA के प्रेसिडेंट थे जो वाटरगेट स्कैंडल में मुलविस थे? तो जी रिचर्ड निक्सन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन। किस ईयर में पहली दफ़ा मुस्लिम स्टेट का मुतालबा हुआ था? तो 1940 जो करारदाद मकासद थी। हाँ ये बड़ा ख़तरनाक जालियान वाला मसाकर किस जनरल ने किया था? जनरल टायर, जो इंडियंस साउथ एशियंस का कत्लेआम हुआ था। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था जिसने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट शुरू की थी? देवबंद स्कूल। A.H. ह्यूम फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिविल सर्वेंट था। स्काउट मूवमेंट किसने शुरू की? लॉर्ड बैटन पावल। विच रिफॉर्म इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोल फॉर हिंदू एंड मुस्लिम? मिंटो मोलो रिफॉर्म, जो 1909 में आया था, यानी जुदा गाना इलेक्शन, हिंदुओं के अलग मुसलमानों के अलग। ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी हु एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी? सर सैद अहमद खान। फिर वो हस्ती जिन्होंने फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ ट्वाइस, फिज़िक केमिस्ट्री दोनों में, मैरी क्यूरी। और जो एज बढ़ती है इसकी जो स्टडी कहलाती है जेरोनोटोलॉजी, जेरोनोटो। 2015 की जनरल नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि 1909 में कौन से रिफॉर्म आए थे? तो मिंटे मोलर रिफॉर्म, ये डिफरेंट वायसराय थे जिनके नाम पर रिफॉर्म आए थे। LCD के इन्वेंटर का नाम पूछा था डेड ऑफ। सिख एजम मज़हब के फाउंडर गुरु नानक। USA के डिफेंस हेड ऑफिस का नाम पूछा था पेंटागन। यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो। इंसुलिन जनाब किस बॉडी के ऑर्गन से निकलता है? पेनक्रीज से। USA का कैपिटल पूछा था Washington DC। ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं जी? 2 होती हैं। कैबिनेट मिशन पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान आया था 1946। ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट विलियम शेक्सपियर। इस्लामिक मंथ विच प्रोसीड रमज़ान, तो ये था शवाल। देखिए पॉपुलस कंट्री 2015 में जब ये आया था चाइना थी, लेकिन अब इंडिया हो चुकी है, जहन में रखें। और पाकिस्तान का अब नंबर 5वां है। क्लियोपेट्रा कहाँ की क्वीन थी? इजिप्ट की क्वीन थी। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया था? फ्रांस में। जनाब लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो थे गवर्नर जनरल से PM बन गए थे,
तो गवर्नर जनरल कौन बना था? मले को नाम। कौन सी कंट्री है जिसकी शेप लॉन्ग शू जैसी है? तो ये है इटली। D8 बेसिकली डेवलपिंग ग्रुप है, 8 मुस्लिम कंट्री जो डेवलपिंग है यानी तरक्की याफ्ता नहीं है। हज के मीनिंग टू ट्रैवल, मरातुल अरूस के राइटर डिप्टी नज़ीर अहमद। डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेसी वजारतों के खात्मे की खुशी में बनाया गया। नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड मोना लिसा। लियोनार्डो डी विंची। ताशकंद का कैपिटल उज़्बेकिस्तान। कौन सा है जिसमें कार्बन फ्यूल यूज़ नहीं होता? तो यूरेनियम में, बहुत सारी चीज़ों में से। फ्लैग ऑफ विच कंट्री रेड विद अ वाइट ग्रे स्कैन मून? तुर्की। इन विच ईयर जिना 1420। देखो यहाँ सही लिखा है 1929, वहाँ गलत लिखा था 1928, जो था 1929 करेक्ट है। निशाने पाकिस्तान सिविल अवार्ड है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची माउंटेन है। पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया। पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन ड्यूरल लाइन कहलाता है। इंडिया पाकिस्तान का रेड गिलिफ लाइन। और सिटी ऑफ कैनाल वेनिस। गोरखास कहाँ के रहने वाले? नेपाल के। नेशनल फ्लावर जैस्मीन। 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम की वफात हुई थी, टर्बोक्लास। OIC का परमानेंट हेड ऑफिस जद्दा। हफीज़ जालंधरी जो हैं वो आपके नेशनल एंथम के राइटर। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस USA। लखनऊ पैक्ट 1916 में। 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिले थे। और पॉपुलस कंट्री, बहर अब चाइना नहीं इंडिया हो गई है। और पानामा कैनाल, ये कंट्री है पानामा, उसमें ही साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये है जना। लिमिट ऑफ द सिक्वेंस an = 3n - 1/3n फॉर n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज। यार देखो, इसमें एक आसान सी ट्रिक याद रखो कि यहाँ भी सबसे बड़ी टर्म 3 की पावर है, नहीं यहाँ भी 3 की पावर है। जब ऐसा हो, आगे कुछ भी उसको भूल जाओ, आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब x प्लस 8 को डिवाइड करना है x की पावर हाफ से और इंटीग्रेशन लेना है। तो पहले तो बेसिक अलजेब्रा करो। x को जब 8 से डिवाइड, x को रूट x से डिवाइड करेंगे जो हो जाएगा x की पावर हाफ, ठीक है। और यहाँ दूसरी टर्म प्लस करके क्या होगा? ये जो पावर हाफ है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। अब अगले स्टेप में देखो, x की पावर हाफ का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो जाएगा 2/3 x^3/2। ये देखो ना बेटा, पावर हाफ है, हाफ में 1 प्लस करो कितना होता है? 3/2 जो के पलट के हो गया 2/3। और 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार रूट के अंदर, एक बार रूट के बाहर। अच्छा, यहाँ क्या बचा था? x की पावर हाफ बचा था। क्या बचा था बेटा? हाफ। अब जब x की पावर हाफ है, उसमें 1 प्लस कर, माइनस हाफ था, ठीक है, माइनस हाफ में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा पावर हाफ। पावर हाफ का इंटीग्रेशन जो हो जाता है वो हो जाता है 2x^2। तो 8 पहले से था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 16। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल तरीन था इसमें, 8 को मैंने डिवाइड कर दिया था 1/2 से, ठीक है, x को, तो 1/2 बचा था। यहाँ 8x^-1/2 बचा इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन हो गई हमारी 2/3 x^3/2, और x की पावर माइनस हाफ की हो गई 2x^2। अब 8 2 16, पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार रूट के अंदर, एक बार रूट के बाहर। सर से 2015, द स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो द पॉइंट 6,1 एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग द इक्वेशन 8x - 4y = 10 इस। यार देखो बेटा, जब भी इस तरह का सवाल आए, पैरेलल बड़ा आसान है, जो स्लोप इस इक्वेशन का होगा वही हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन का होगा। 6 और 1 क्या हो जाएंगे? x1 और y1 हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट। स्लोप कैसे निकलता है? माइनस कोफिशन ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशन ऑफ y। x का कोफिशन 8 है, y का -4 है, डिवाइड करेंगे स्लोप 2 आ जाएगा। इक्वेशन होती है y - y1 = mx - x1, y - 1 = 2x - 6, y - 1 वैसे ही रह गया 2x - 12, -12 + 1 क्या होता है? -11 होता है।
तो देखो 2x - y - 11 = 0। आप देखो ऑप्शन के लिहाज से कौन सी, ये वाली, बस इन्होंने किया माइनस वन को उधर ही रहने दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं इक्वेशन 25x²-16y² = 400 इज द इक्वेशन ऑफ, तो करेक्ट आंसर है हाइपरबोला। क्यों भाई? देखो हाइपरबोला में हमेशा x और y दोनों पे ना सिर्फ स्क्वायर होगा बल्कि अपोजिट साइन होगा। पैराबोला में से किसी एक पे स्क्वायर होता है, सर्कल में क्वेश्चन बराबर होते हैं, एलएस में क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, प्लस होता है। फिर जनरल टर्म पूछ रहे हैं, एक सिक्वेंस है 1, 1/3, 1/5, 1/7, ये ऑप्शन दिए हैं। ट्रिक ये होती है कि भाई हम एन की जगह 1, 2, 3 पुट करें तो इसी हिसाब से हमारे आंसर यही आने चाहिए। जैसा कि अगर हम एन की जगह बच्चों 1 पुट करते हैं तो 1 आना चाहिए, 2 पुट करने से ये आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको चेक कर लेंगे कि भाई कौन सी वाली हमारी सूटेबल है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। जैसे कि 1 पुट किया, 2 1 2 - 1 ये आ जाएगा, 2 पुट करने से 1/3, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फॉर द यूनिट वेक्टर आई जे एन के विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहली स्टेटमेंट ही ट्रू है कि आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है भाई, के, बाकी सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर कह रहे हैं टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ, यहाँ भी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यार दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी। देखिए फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इन केस देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के बराबर है तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई ए इज़ द सबसेट किसका है, बी का, ठीक है, तभी बराबर हो सकता है। मैट्रिक के लेवल की बात है ये, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। हाँ अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता तो फिर बी ए का सबसेट होता, बी ए के अंदर होता इस तरह। फिर कह रहे हैं -1 + i√3² = तो यार ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है भाई, ए मैं इसको मान लूँ बी इसको, बात है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खोला हमने, तो जी आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर रूट थ्री का थ्री, ये 1 हो गया। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और 2 - 2 फार्मूले का, तो जब इसको ओपन किया तो भाई आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -3 + 1 - 2 यहाँ से बचा, और इनकी मल्टीप्लीकेशन देख लें -2√3 iota, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट। x² ln x dx का इंटीग्रेशन, तो बजाय बाय पार्ट यूज़ करें एक मेरा मैजिकल फार्मूला याद रखें, x^m ln x, जब भी हो देखो x की पावर में 1 का इजाफा हो जाएगा, m+1 x^m+1 / m+1 ln x - 1/m+1। तो देखो यहाँ x² दिया है, यानी कि m हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा x^2+1 यानी x³/3, नहीं देखें ना 2+1 3 हो जाएगा x³/3। अब ये तो बहुत सारे ऑप्शन में, लेकिन आगे आना चाहिए ln x - 1/m+1, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला x³/3 ln x - 1/m+1, ऑफकोर्स m² है तो m+1 3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन x³ - 4x² + kx⁴k इट इज़ इक्वल टू, तो x - 2 को 0 के बराबर ले लें, x हो जाएगा 2, 2 का क्यूब होता है 8, हाँ जी -4, x² है तो 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, +kx = 2k किसके को ले लेंगे, 0 के। अब देखो 8 - 16 होता है -8 + 2k = 0, k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भाई, 4 के बराबर आ जाएगी, आंसर हो जाएगा ये। फिर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं -iota² का मतलब क्या होता है, +1। अब देखो रूल ये कहता है कि इन दोनों की जगह तब्दील होती है, अच्छा इन दोनों का साइन तब्दील होता है लेकिन साइन ही नहीं है। अब डिवाइड किससे कर देंगे, सबको 1 से, तो आंसर इन ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीधी सादी बात है। डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं, ठीक है,
और फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते थे इनवर्स निकालने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इक्वेशन और सिस्टम इसका कह रहे हैं, देखो और से देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 10x प्लस 15y, यार यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 2x प्लस 3y आ जाएगा। पैरेलल इक्वेशन है तो इनका सोल्यूशन क्या होगा? इम्पॉसिबल। फिर 9 टर्म पूछी है, पेन देना बेटा। देखो 36, 16, 8 के बाद 4, फिर 2, फिर 1, ऐसे ही है ना। 6 टर्म तो ये हो गई, अगली होगी 1/2, 1/4 और फिर 1/8, ऐसे गिन के गिन लो, 9 हो गई। नवी टर्म पूछी थी, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। अब देखो 3 कॉइन्स होते हैं तो टोटल आउटकम 2 का क्यूब यानी 8 होता है। यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है नीचे, और ऑब्वियस सी बात है एटलीस्ट 1 टेल, सिवाय इस एक केस के जब तीनों 8 हैं, बाकी सातों इवेंट क्या होंगे जिनमें एक कम से कम एक टेल होगी। तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा, 7/8। अब टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, भाई जो ट्रिग्नोमेट्री के मेरे शॉर्टकट फार्मूले उनमें से ये एक है, 1 cos θ / sin θ होता है। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद कह रही cos 180 + θ इज इक्वल टू, यार अगर यहाँ 180 है यानी 90 का इवन मल्टीपल है तो cos ही रहेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, जहाँ cos का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर हो जाएगा -cos θ। फिर से 2015 में डेरिवेटिव निकालना है 2x प्लस का, बेटा इसमें पावर क्या मौजूद है, हाफ मौजूद है, ठीक है नीचे गिरा लो। पावर क्या रह जाएगी, 1 में से, हाँ जी हाफ में से 1 माइनस करो क्या हो जाएगी, -half। और फाइनली इसको हम ऐसे लिख देंगे, हाफ या स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डायरेक्ट फार्मूला है, अंडर रूट 1 - x2। और ये हमारा आंसर बच्चों आ जाता है। 2016 केमिस्ट्री, मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस एक्सिस्टेंट इन सिस्टरल सिस्टम इज 3, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन, फिर एलिमेंट का एटॉमिक वेट 39 है, नंबर 19 है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएं। तो देखो 19 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 19 प्रोटॉन होंगे, और 39 19 का डिफरेंस 20 न्यूट्रॉन होंगे। फिर कह रहे हैं इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, तो जनाब इन ऑप्शन में से निकल है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री भी होता है, 212 फॉरेनहाइट भी, और रैंकी में 80 भी है, तो ऑल ऑफ 30 हो जाएगा। फिर गैस टेंड्स टू एक्सपेंड इनडेफिनेटली इनटू वैक्यूम और इनटू अनदर गैस, ये प्रोसेस क्या कहलाता है जनाब, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट यूज, निकल, फिर परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड इज 9.3, 500 nanometer इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ - 7 meter, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैगनीज इन K2MnO4 इज +6, फिर विच ऑफ फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, तो मरकरी, द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाई ETTA, डिस्टिलेशन मेथड, कंडक्टिविटी मेथड, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज। H3PO4 रिटार्ड द डीकम्पोजिशन H2O2, देयरफॉर इट इज़ अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, फिर रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन, देखें यूरेनियम 92-238 को, थोरियम 92-234 में, तो नंबर कम 2, मास कम 4, इसका लेवल अल्फा पार्टिकल। फिर कौन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, तो 3 मोलर ज़्यादा होगा मोलर से भी। फिर ट्राइट्रेशन में कह रहे हैं 100 ml एक वीक एसिड है NH2SO4, उसे स्ट्रॉन्ग बेस NOH से मिला रहे हैं, तो क्या बनेगा, सब्सटेंस रिजल्टिंग बेसिक बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स इन 640, अब इनको मेंशन करना चाहिए था कि O2 गैस की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों हम 32 से अगर 640 को डिवाइड करें तो ऑफकोर्स 20 आता है, ऑक्सीजन एटम एलिमेंट एटम होता तो 40 का भी ऑप्शन होता, दिया ही नहीं है, तो ऑफकोर्स यही आंसर होगा।
कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेटेड है CO2, विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रुबिडियम। यार देखो, ये जो मैट्रिसेस हैं बड़े अच्छा क्वेश्चन है, और 2 को √72 से, 12 को √2 से, तो सेम आ जाएगा, क्योंकि देखो ये भी 6√2 बन जाएगा। तो ज़ाहिर है इसका जो रिजल्ट है डिटर्मिनेंट का वो 0 आ रहा है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो ये थे क्वेश्चंस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेटेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बड़ी अच्छी थ्योरेटिकल MCQs हैं। फिर कह रहे हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अब देखो, इसके लिए आपको ज़ाहिर है फार्मूला जो होता है B²-4AC, तो B5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -4A1 है, C जो है वो 9 है, साफ दिख रहा है ये इमेजिनरी आंसर है आंसर। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, यार ये काम खुद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट इसका क्या आ रहा है, ओपन हो गया। फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव 3-डिजिट होल नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। अब देखो, इसमें इन्होंने कुछ वो नहीं लिखा कि रिपीटेशन अलाउ नॉट अलाउ, तो रिपीटेशन अलाउ होने की सूरत में 5 × 5 × 5 ऑफकोर्स आंसर होना चाहिए 125। ठीक है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं होती ना, तो 5 × 4 × 3 = 60 होता, तो ऑफकोर्स ये रिपीटेशन अलाउ की बात हो रही है, 125 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी डिटर्मिनेंट अभी सॉल्व करके बताएं इसका क्या आंसर है। चेन रूल इज़ यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ क्या है जी, फंक्शन इवन कब होता है, जब f(x − f(x) के बराबर हो। फिर कॉन्जुगेट पूछ रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, इसका मतलब है रियल का साइन चेंज नहीं, खाली इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अपॉन में 1 + x², ये डायरेक्ट फार्मूला किसका है जी, 10 inverse x का। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइन, अब देखो 5 और 3 को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, 1 और −7 को प्लस करके डिवाइड करो 2 से तो ये आएगा 4 − 3, मिड पॉइंट आ गया। फिर सर्कल रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन x² + y² = 9² बना, तो रेडियस ऑफ कोर्स क्या होगा यार, 9 होगा। लिमिट x → 4 और आपको सॉल्व करना है। सबसे आसान ट्रिक होती है न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लें, x का डेरिवेटिव बन आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, खाली x का जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब x की जगह 4 पुट कर दें, 2 × 4 = 8, 8 − 1 = 1/7। फिर कह रहे हैं फॉर द फंक्शन y = x³ − x² − 4 द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x = 4। पहले भाई इसका डेरिवेटिव ले लें, 3x² − 2x होगा, फिर x की जगह 4 रख दें, वेल यहाँ 4 रखोगे 4 × 2 = −8, यहाँ 4 रखोगे 4 का² 16, 16 × 3 = 48, 48 में से 8 माइनस करो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बाद में बताते हैं। फिर कह रहे हैं कि ln² x + 3 है, तो y क्या होगा। देखो भाई, पहली बात तो ये कि पावर नीचे गिरती है, ये हो जाएगा 2ln, ठीक है, और x + 3 वैसे ही रहेगा, पावर नीचे गिरेगी। फिर ln x + 3 का डेरिवेटिव लेंगे, जो कि हो जाएगा 1/x + 3, ठीक है, 1/x + 3। अब ऊपर होना चाहिए 2ln x + 3, नीचे x + 3, सो भाई एक ही ऑप्शन है, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर। इसका डिटर्मिनेंट तो आया था 9। अब आगे देख लेते हैं बच्चों सवालात। इंटरसेक्शन जो है इन दोनों इक्वेशन का, बेटा देखो इसका बेहतरीन तरीका होता है ऑप्शन से मदद ले लो, पहले वाले ऑप्शन से आ जाएगा। x² − 2 यहाँ पुट करो, left = right, यहाँ पुट करो left side = right। ठीक है जी, फिर कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर −2i + 3j का, तो ये हो जाएगा −2, 3। और ये अच्छा सवाल है, nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज tn = 3n + 7 कॉमन डिफरेंस। बेटा देखो, पहले n की जगह 1 रखो तो ये आ जाएगा 10,
फिर एन की जगह 2 रखो तो 13, पहली टर्म 10, दूसरी 13, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 13 to 56, यार ये पंगे वाला था। हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, एक सीरीज़ 1 से 56 तक की बनाएंगे, एक 1 से 12 तक की बनाएंगे, ये फार्मूला होता है लगाएंगे, ठीक है जी। ज़ाहिर है इनकी जगह 56 आएगा, यहाँ इनकी जगह 12 आएगा, और फाइनल जो यहाँ आ रहा है 1518, ठीक है जी। चलें जनाब, इसके बाद क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉस माइनस अल्फा बच्चों किसके बराबर होता है, प्लस कॉस अल्फा। देखिए उसका रीज़न देख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों के अलावा कॉन्सेप्ट से देखो ना, ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ अगर कभी साइन के हवाले से माइनस अल्फा हो तो फिर क्या होगा, माइनस साइन अल्फा होगा।